नमस्कार दोस्तों, संधि संधि क्या होती है ये भी जानना होगा और संधि कहते क्या हैं, किसे हैं, वो भी जानना है। तो यहां ध्यान रखें, संधि या संधि सम उपसर्ग दुधाय धातु की प्रत्यय की प्रत्यय। संधि शब्द में सम उपसर्ग है, दुधाय धातु है और की प्रत्यय से ये बना हुआ शब्द है, नंबर एक। नंबर दो, संधि संस्कृत में पुल्लिंग शब्द है, तीसरा नंबर ये है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ में संधि के पांच भेद हैं। कितने भेद हैं? पांच। नंबर एक अतसंधि, नंबर दो हल अर्थात व्यंजन संधि, विसर्ग संधि प्रकृति भाव संधि और स्वरादि संधि। स्वादि संधि इस तरह से संधि पांच प्रकार की अष्टाध्यायी ग्रंथ में प्रतीत होती है। सम उपसर्ग है, धातु कौन सा है, दुधाय धातु है, प्रत्यय कौन सा है, की प्रत्यय है। संधि संस्कृत में पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखना होगा। संधि संस्कृत में पुल्लिंग शब्द है। अष्टाध्यायी ग्रंथ में संधि के पांच भेद हैं। अष्टाध्यायी ग्रंथ में संधि के पांच भेद हैं, अच अर्थात स्वर संधि, हल अर्थात व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, प्रकृति भाव संधि और स्वादि संधि। इस तरह से स्वर संधि के यानी कि संधि के पांच भेद हैं
इन पांच भेदों के बाद यदि मैं कोई बात करूं तो कहा लघु सिद्धांत कौमुदी में संधि के तीन भेद हैं। नंबर एक स्वर अर्थात अच संधि, नंबर दो हल व्यंजन संधि और नंबर तीन वो विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, अब थोड़ा सा यहां ध्यान रखना होगा, संधि विशेष की जब बात हो रही है तो हमें यहां ध्यान रखना होगा स्वर संधि। दो स्वरों के मेल होने पर उत्पन्न परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के लघु सिद्धांत कौमुदी में आठ भेद है। कितने हैं? आठ भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, और प्रकृति भाव संधि। इस तरह से आठ भेद हैं स्वर संधि। लघु सिद्धांत कौमुदी में संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल होने पर उत्पन्न परिवर्तन को स्वर संधि कहा गया। अब कहा स्वर संधि में आपने जो कहा है कि स्वर संधि के लघु सिद्धांत कौमुदी में आठ भेद हैं। कितने भेद हैं? आठ भेद हैं। आठ भेद किसमें हैं? आठ भेद हैं और आठ भेद में दीर्घ संधि, यण संधि,
और गुण संधि वृद्धि अयादि और भी कौन से हैं, पूर्वरूप पररूप और प्रकृति भाव। इस तरह से संधि के ये आठ भेद हैं। अब प्रश्न सिंपल सा है, पहला प्रश्न है लघु सिद्धांत कौमुदी में संधि के भेद हैं, कितने भेद हैं? नंबर एक, एक, तीन, चार या पांच। अष्टाध्यायी ग्रंथ में संधि के भेद हैं। नंबर एक, पांच, तीन, आठ या चार। आपके पास प्रश्न है, उत्तर देने का कोशिश करें। लघु सिद्धांत कौमुदी में स्वर संधि के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? नंबर एक, दो, चार, आठ पांच। अब आपके सामने भेद विशेष में भी ये कहा गया कि अब आपको ये बताना है कि यहां कितने भेद हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी में संधि के भेद कितने हैं। सोचो समझो और फिर आंसर दें। तो ऐसी स्थिति में हमें यहां दिखाई दे रहा है कि प्रश्न है दो स्वरों के मेल को होने पर संधि होगी, कौन सी संधि होगी? व्यंजन, स्वर, विसर्ग कोई नहीं। आपके पास सीधा और सरल और सहज भाव के ये हैं, आप आराम से तसल्ली से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अपने पढ़ा है या समझा है
तो उत्तर देने दे भी सकते हैं। दीजिए चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं हम और सबसे पहले देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि में भी हम सबसे पहले दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का नियम है अक है सवर्णी दीर्घ, ये सूत्र कहता है, क्या कहना चाह रहे हैं कि ए आ ई ई उ री 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 स्वरों के बाद क्रमशः समान स्वर आने पर दीर्घ एकादेश होगा, अर्थात दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि होगी कैसे होगी, ए के बाद यदि ए आएगा तो आ, और ए के बाद में यदि आ आए तब भी आ, और आ के बाद में यदि ए आए तब भी आ, और आ के बाद यदि आ आए तब भी मित्रों आ ही होगा, ई के बाद यदि ई आए, ई के बाद यदि दीर्घ ई आए, दीर्घ ई के बाद यदि रहस्य ई आए, और ई के बाद यदि ई आए तो दीर्घ ई ही रहेगा। उ के बाद उ दीर्घ उ उ री के बाद री आए तो भी दीर्घ री, री दीर्घ री के बाद यदि री आए तो भी दीर्घ री, री के बाद दीर्घ री आए तब भी दीर्घ री, और दीर्घ री के बाद यदि दीर्घ री आए तब भी दीर्घ री। इस तरह से दीर्घ स्वरों का यहां पर बनना तय है। कहां पर तय है, दीर्घ संधि में। सूत्र विशेष को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर उदाहरण देंगे, जैसे दैत्य धन अरि, तो यहां क्या हुआ है, ए और ए मिलकर के आ, दित्यारी हो गया। फिर हम एक शब्द रखते चलते हैं रावणारी, अध्यापी मुरारी,
विद्यालय। पुस्तकालय। सत्यार्थ। तो इन पदों में जब हम यहां संधि करने बैठेंगे तो हमें यहां दिखाई देगा रावण धन अरि, यहां अध्य धन अपि, यहां मूर्धन अरि, विद्याधन आलय, पुस्तक धन आलय, और सत्य धन अर्थम। एका हमने यहां देखा, छोटी छोटी चीजों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे तब समझ में आता है कि अच्छा ऐसे भी कुछ होता है। जी हाँ, इसी प्रकार हम बात करें ई, ई की, तो श्री शाह, नदी शाह, महीश, दीर्घ ई है, दीर्घ ई है, इसका ध्यान रखना होगा। कई बार दीर्घ ई का हम ध्यान नहीं रख पाते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ी समस्या होती है। श्रीधन ईश है, श्री सा, नदी धन ईसा, नदी से, और महीधन ईश है, महीसा। कसब तीनों में ही आ रही है, क्या छोटा भी हो तो देखें। तो यहां देखें नदींद्र, नदी धन इंद्र, नदींद्र यहां पर आपके पास आया है। तो गुड इवनिंग मित्र, यहां पर हमारा जो यहां पर ये बना है, अब हमें यहां देखना है ई के बाद में ऊ का। ऊ के उदाहरणों को लाऊंगा मैं, तो यहां पहला ही है विष्णुदय, तनोर्मी, वधोत्सव, वधोत्सव के बाद में वधूष्मा, इन पदों को देखें क्या हो गया रहा है। यहां पर हमने जब यहां शुरू किया तो यहां पर विष्णु धन उदय, विष्णुदय, तनु धन ऊर्मी, वधू धन उत्सव, और वधू धन ऊष्मा, ऊष्मा। इस तरह से आपने ये उदाहरण बनाए हैं विष्णुदय, तनुर्मी, वधोत्सव और वधूष्मा, कहां बना दिए आपने ये सारे सारे, आपने बना दिए किसमें, दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि में और बनाते हैं पोत्रीकार, गमलरीकार, उदाहरणों को जब मैं इसको तोड़ा तो ये आया पोत्री धन रिकार,
गमरी धन ऋकार है। मातृणाम मातृधन ऋणाम मातृधन ऋणाम। समय के अनुसार ही इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। परीक्षक का प्रश्न हमेशा सरल ही बनता है। प्रश्न है सत्यार्थम इत्यत्र संधिर अस्ति, संधि है कौन सी है, क्या यण है, गुण है, वृद्धि है या फिर दीर्घ है। दूसरा उसने दिया अध्यापि इत्यस्य संधि विच्छेदोक नंबर एक अध्ययन आपि अध्ययन अपि अध्ययन आपि या फिर आदि धन अपि। आपके पास में इस तरह से संधि में जब काम हुआ तो एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि भैया बताना जी, आपने प्रश्न तो पढ़ लिया, अब इसका उत्तर भी देखें कि साहब उत्तर ये होगा कि नहीं होगा, जो होगा वो कैसे होगा। बिल्कुल सहज भाव से आंसर देंगे तो निश्चित रूप से आंसर भी बाहर आएगा। तीसरे प्रश्न में मैं जाऊं तो परीक्षक के द्वारा पूछा जा रहा है कि तनु उर्मी इत्यत्र संधि विच्छेद पहला संधि विच्छेद तनु धन उर्मी, दूसरा है तनु धन उर्मी, तीसरा है तनु धन उर्मी और चौथा है तन धन उर्मी। आपके पास में ये सहज और सरल प्रश्न है जिनका जवाब आपको तहे दिल से देना है। इन प्रश्नों का ध्यान रखते हुए परीक्षक के द्वारा जब प्रश्न पूछा जाता है तो हमें इनका उत्तर भी देना होता है। इसी प्रकार यण संधि में मैं जाऊं यण संधि में सूत्र आता है इको यणची, इको यणची, इको यणची क्या है और कैसे है। कहा ई ई उ, उ, री 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 के बाद
असमान स्वराएं तो ई के स्थान पर ये ऊ के स्थान पर वे री री के स्थान पर रे तथा री के स्थान पर रे यण होगा होगा। बहुत बढ़िया आंसर बच्चे ने दिया है उसका, बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग आंसर देना भी जानते हैं, बहुत ही सुंदर। इस तरह से सूत्र को हमने जब खोल के रखा तो यहां हमें यहां दिखाई दिया कि यहां क्या हो रहा है। अब यहां पर हमें यह ध्यान रखना होगा कि इस संधि में क्या कहा है, यह कब बन रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास यह का क्या करना है, इसी चीज को समझेंगे। तो मेरे पास यहां उदाहरण है, अनुधन अय। अनु में उ है, बाद में ए है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है, अनवय का उ का वय बन गया, अनवय। इसी प्रकार मेरे पास है सुधी उपास्य, तो सुधी में ई है, क्या ई है, इस ई का क्या करने वालों, शुद्ध्योपास्य। यदि धन अपि, यद्यपि, नदी धन उदकम, नद्योदकम। ये हमने सारे के सारे उदाहरण किसके देखे हैं, ई के। और भी है ई के उदाहरण देखना चाहें तो, ऐसा नहीं है कि यही है और नहीं है। प्रतिधन एकम, प्रत्येकम, प्रतिधन अक्षम, प्रतिधन इत, अतिधन इत, अतीता, अतीता। तो मित्रों आज हमने कहां तक देखा है, इकोजनसी के ई क्या यह बनते हुए देखा है। आगे क्लास में बने रहने के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। मैं मुकेश दीवान, नमो नमः, नमस्कार।